आज सारे अरमान पूरे हुए सुनील पाल के गुरु के हाथ से अवार्ड मिला मुझे दादा साहब फाल्के। और ये प्यार जो आप मुझे दे रहे हैं मैं इसके लायक तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि हमेशा अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी कॉमेडी करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे राजेश भाई हैं, इन सब ये हमारे गुरु हैं। इन्होंने जब मैं यहाँ पर नया नया आया था तो बहुत सपोर्ट करते थे, जॉन लीवर साहब के शो में हमेशा एंकरिंग करते थे, उनका शो देखने जाता था तो बड़ा प्यार देते थे। तो आज इन तमाम सीनियर्स के साथ में खड़ा होकर मुझे जो अवार्ड मिल रहा है तो बस मैं कह सकता हूँ कि हमेशा एक ही बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि भावनाओं को समझो। दो तीन फिल्में बनाने का सौभाग्य मिला। पहली फिल्म मैंने बनाई भावनाओं को समझो, इसका नाम लिया मैंने 52 स्टैंडअप कॉमेडियन पे सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। बॉलीवुड की वो पहली फिल्म थी जहां से शुरुआत हुई थी। सेकंड फिल्म मनी बैग गारंटी जिसमें गुरु भी थे। और थर्ड फिल्म अभी आने वाली है जिसको मैंने पहले रखा बिग बॉस। तो कॉमेडी की जो शुरुआत हुई है टेलीविजन पे, खासकर पंकज सरस्वत जी जो हमारे बैंड में थे जिन्होंने लाफ्टर चैनल प्रोग्राम सोचा और हम सब उन कॉमेडियन को मौका दिया जिनको स्टेज पर भी कोई मौका नहीं देता था। स्टेज पर बोला गया बोलते थे बैठो 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 बैठो, एक काम पर चाय लिया, थक गया थोड़ा परेशान हो रहा ना, जा एक काम पर मार्केट जा सिगरेट लिया क्वार्टर लिया, सर वो चांस अगली बार अगली बार। तो ऐसा बहुत सारा शोषित समाज था जो हमको हमारा शोषण करता था, लेकिन लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम में पंकज सरस्वत जी ने हमें मौका दिया। और उससे पहले हमारे कॉमेडी के गौर महागुरु जिन्होंने हम सबको कॉमेडी करने का चस्का लगाया, जिनके हम शागिर्द बने और जीवन भर के शागिर्द बने रहेंगे, उनके ऋणी रहेंगे जॉन लीवर साहब। जैसे कि हम कलाकार पर खासकर कॉमेडियन का कोई मंदिर है तो वो है जॉन लीवर साहब का घर, जहां हम जाते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है, अगर कोई तकलीफ है तो सपोर्ट मिलता है। और उनके छोटे भाई जिमी मोसेस जिन्होंने मुझे हमेशा हर वक्त एक एक चीज